Hello friends, welcome back to Vanya's Craft World, and today we are making 8 colors from 3 main colors. So let's get started. So friends, some required materials are water, powder, and yahan pe turmeric powder, fevicol, and yahan pe maine sketch pens blue and red use kiye hain kyunki mere paas ink pen nahi thi wo wali. So yahan pe maine sketch pens use kiye hain. तो उनकी इंक लेंगे हम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम बाउल लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पाउडर डालेंगे अभी, और फिर वाटर डाल के उसे मिक्सअप करेंगे. फिर उसमें हम थोड़ा और वाटर ऐसे ऐड करते इसको अच्छे से एकदम बैटर एकदम रेडी करेंगे. तो इसमें हम 2 टेबलस्पून ग्लू ऐड करेंगे, जिससे इसका बैटर बहुत अच्छा बनता है. और इसमें मैं 2 टेबलस्पून तक ग्लू ऐड करूँगी. 1 टेबलस्पून तो इम्पॉर्टेंट है ऐड करना. तो अगर आपके पास ग्लू और पाउडर नहीं है तो आप मैदा यूज़ करिए, बट मैं विदाउट मैदा बना रही हूँ इसीलिए मैंने नहीं यूज़ किया. तो हमारा बैटर कुछ इस तरीके से होगा. अब मैंने अपना पैलेट लिया है. सो हम अपने पैलेट में इसको कलर पे पहले हम डालेंगे. फिर ये मैंने इंक लिया. आप ग्लव्स पहन के यूज़ करिए इंक. तो इसमें आप इंक ऐसे डाल लिए इसमें स्केच पेन की, एंड इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लीजिए जिससे ये डार्क हो जाए. तो देख सकते हैं कितना डार्क हो गया अब हमारा ये कलर. अब नेक्स्ट कलर रेडी करेंगे, ब्लू कलर. सो ब्लू कलर में हम ब्लू स्केच पेन की इंक ली है मैंने. तो हमने यहाँ पे वाइट बैटर डाल दिया अपना, जो हमने वाइट मिक्सचर बनाया था. और उसके बाद अब हम फिर इसी तरीके से इंक को भी करेंगे. इसका भी डार्क बैटर एकदम गाढ़ा गाढ़ा बैटर एकदम अच्छा सा कलर रेडी हो गया है. अब हम टर्मरिक लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पहले थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे. जिस स्पून से हमने अपना बैटर बनाया था वही वाले स्पून से ऐड किया मैंने वाटर. एंड इसमें हम फिर अपना बैटर ऐड करेंगे, और फिर इसको मिक्स करेंगे, और टर्मरिक ऐड करते हुए मिक्स अच्छे से कर देंगे. तो हमारा यहाँ पे येलो कलर भी रेडी हो जाएगा. सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारा टर्मरिक ऐड करके मिक्स कर लिया, और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हमारा 3 कलर्स रेडी हो गए. अब हम रेड और येलो को जब मिक्स करेंगे तो हमारा ऑरेंज कलर बनेगा. सो चलिए ऑरेंज कलर को बनाते हैं. जब तक आपको लगे ना कि उसमें ऑरेंज, तो बस ऐड करने के बाद दोनों कलर्स को जब तक हमारा आपको लगे ना कि हमारा ऑरेंज कलर रेडी हो गया, तब तक आप इसको मिक्स कर लीजिए दोनों कलर्स को बहुत अच्छे से. अब हम येलो प्लस ब्लू करके हम ग्रीन कलर बनाएंगे. ये देखिए डार्क ग्रीन सा टेक्सचर आ गया इस कलर का. इसको मैंने एक प्लेट टाइप बाउल में ऐसे थोड़ा सा डाल दिया है. और अब हम ग्रीन और रेड को जब मिक्स करेंगे तो हमारा ब्राउन कलर रेडी हो जाएगा. अब हम नेक्स्ट कलर रेडी करेंगे. वाइट प्लस रेड इज़ पिंक. सो हम पिंक कलर बनाएंगे अपना. एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट और ऐड किया. अब इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से. एंड आफ्टर मिक्सिंग आपने देखा कितना अच्छा हमारा पिंक कलर बन गया है. तो यहाँ हमारे अब हम नेक्स्ट कलर बनाएंगे. ब्लू प्लस ग्रीन प्लस रेड हम जब डालेंगे तो हमारा ब्लैक कलर रेडी होगा. दैट इज़ द मेन कलर. सो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर रेडी कर लिया. अभी इसका टेक्सचर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है. इसको जब हम मिक्स कर लेंगे तो और अच्छे से ही हो जाएगा. लेट्स टेस्ट इट. टेस्टिंग टाइम. सो यहाँ देख सकते हैं हमारे कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं. होममेड कलर्स अब हम बना सकते हैं सिर्फ 3 मेन कलर्स से, और वो भी बहुत ईजली. सो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारे कलर्स का टेक्सचर आ चुका है. येलो कलर, ब्लू, रेड, ग्रीन. बस हम जब भी यूज़ करेंगे इनको थोड़ा सा मिक्स करके यूज़ करेंगे. आप इसको कोई अपने स्टोरिंग वाले कोई ऐसी चीज़ में जिसमें आप बंद कर सकें इसके विद कैप, उस तरीके की चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं विद जिसमें आपका ढक्कन हो, वरना ये कलर सूख जाएंगे. तो आप इनको अच्छे से रख सकते हैं. या आपको कोई भी पुराना पेंटिंग का पैलेट टाइप कुछ ऐसा पड़ा हो जिसमें पेंट कलर्स आपने बाय किए हों, तो उसमें भी आप इस कलर्स को डाल सकते हैं. एंड देखिए हमारा वाइट कलर इस पेज पे पता नहीं चल रहा है, बट वाइट कलर भी हमने बनाया था. ये जो थोड़ा सा हमारा वाइट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.